राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है भारतीय कृषि की समस्याएं। यद्यपि कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में हमारी कृषि की उत्पादकता अब भी कम है। इस परिस्थिति के लिए अनेक कारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। इनको चार वर्गों में बांटा गया है। पहला पर्यावरणीय, दूसरा आर्थिक, तीसरा संस्थागत, चौथा प्रौद्योगिकीय। पर्यावरणीय कारक। सबसे गंभीर समस्या मानसून का अनिश्चित स्वरूप है। तापमान तो सारे साल ही ऊंचे रहते हैं, अतः यदि नियमित रूप में जल की पर्याप्त आपूर्ति होती रहे तो पूरे वर्ष फसलें पैदा की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि देश के अधिकतर भागों में वर्षा केवल 3 या 4 महीनों में ही होती है। यही नहीं, वर्षा की मात्रा तथा ऋतुनिष्ठ और प्रादेशिक वितरण अत्यधिक परिवर्तनशील है। इस परिस्थिति का कृषि के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक वर्षा का संबंध है, देश के अधिकतर भाग उपार्द्र, अर्धशुष्क और शुष्क हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर सूखा पड़ता रहता है। सिंचाई की सुविधाओं के विकास और वर्षा जल संग्रहण के द्वारा इन प्रदेशों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। आर्थिक कारक। कृषि में निवेश जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि और परिवहन की सुविधाएं आर्थिक कारक हैं। विपणन, सुविधाओं की कमी या उचित ब्याज पर ऋण न मिलने के कारण किसान कृषि के विकास के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाता है। इसका परिणाम होता है निम्न उत्पादकता। सच्चाई तो ये है कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव दिनों दिन बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति फसलगत भूमि में कमी हो रही है। 1921 में ये 0.444 हेक्टेयर, 1961 में 0.296 हेक्टेयर तथा और भी घटकर 1991 में 0.219 हेक्टेयर रह गई है। जोतों के छोटे होने के कारण निवेश की क्षमता भी कम है। संस्थागत कारक। जनसंख्या के दबाव के कारण जोतों का उपविभाजन अर्थात पीढ़ियों के अनुसार बंटवारा और छितराव हो रहा है।
1961-62 में कुल जोतों में से 52% जोतें सीमांत आकार में 2 हेक्टेयर से कम और छोटी थीं। 1990-91 में कुल जोतों में छोटी जोतों का प्रतिशत बढ़कर 78 हो गया। इन छोटी जोतों में भी छोटे छोटे खेत दूर दूर बिखरे हैं। जोतों का अनार्थिक होना अर्थात आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त आकार कृषि के आधुनिकीकरण की प्रमुख बाधा है। भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था बड़े पैमाने पर निवेश के अनुकूल नहीं है, क्योंकि काश्तकारी की अवधि अनिश्चित बनी रहती है। प्रौद्योगिकीय कारक। कृषि के तरीके पुराने और अक्षम हैं। अधिकतर किसान आज भी लकड़ी का हल और बैलों का ही उपयोग करते हैं। मशीनीकरण बहुत सीमित है। उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग भी सीमित है। फसलगत क्षेत्र के केवल 1/3 क्षेत्र के लिए ही सिंचाई की सुविधाएं जुटाई जा सकी हैं। इसका वितरण वर्षा की कमी और परिवर्तनशीलता के अनुरूप नहीं है। ये दशाएं कृषि की उत्पादकता और इसकी गहनता को निम्न स्तर पर बनाए हुए हैं। भूमंडलीकरण और भारतीय कृषि। किसी देश की अर्थव्यवस्था का संसार की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण के द्वारा भारतीय बाजार संसार के लिए खुल गए हैं। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ है तथा आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में उदारता आ गई है। अब कृषि उत्पादों समेत अन्य विदेशी उत्पादों का भारत में आयात किया जा सकता है। भारत भी कुछ उत्पाद अन्य देशों को भेज सकता है। बंधन मुक्त व्यापार में वस्तु की कीमत और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है। यदि किसी फसल की लागत ऊंची है तो व्यापारी इसे कम कीमत पर अन्य देशों से आयात करके राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं। इससे भारतीय कृषि में गतिहीनता आ सकती है तथा ये पिछड़ भी सकती है या अवनति भी हो सकती है। इस नीति का स्वाभाविक तकाजा है कि विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत घटाई जाए। ये न केवल विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके अपितु दूसरों से बढ़कर हो। क्या भारतीय कृषि अपने वर्तमान रूप में विकसित देशों की अत्यधिक पोषित और संवर्धित कृषि का मुकाबला कर सकेगी? उनकी प्रति हेक्टेयर उपज हमारे देश की उपज से बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनेक उत्पादों की कीमतें गिर रही हैं, जबकि भारतीय बाजारों में ये बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के दो कारण हैं। पहला, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास, जिसके परिणाम स्वरूप विकसित देशों में किसानों को अत्यधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा, परिष्कृत कृषि यंत्रों के उपयोग के द्वारा उत्पादन लागत काफी घट गई है। इनके साथ साथ विकसित देशों में किसानों को भारी अनुदान दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत घट जाती है।
विश्व व्यापार समझौते के अनुसार सभी देशों को कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले भारी अनुदान बंद करने पड़ेंगे। अन्य देशों से आयात के मध्य दीवार बनकर खड़े सीमा शुल्क को नीचे लाना पड़ेगा। विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को अपनी कृषि की विशाल संभावनाओं का व्यवस्थित और नियोजित तरीके से उपयोग करना होगा। हमें भी कुछ वैसी ही तकनीकें विकसित करनी होगी जिनका उपयोग विकसित देश आजकल कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के अलावा देश में कृषि उत्पादों के लिए एक बंधन मुक्त और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का कार्य सही दिशा में उठाया गया कदम होगा। इस कदम को उठाने के लिए हमें एक सुगठित अवसंरचना की जरूरत होगी जिसमें किसानों और व्यापारियों के लिए सड़कें, बिजली, सिंचाई और ऋण की सुविधाएं होंगी। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे राखी जैन के स्वर में वार्ता भारतीय कृषि की समस्याएं। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।